नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जून शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के मसौदे का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक देने की उसकी योजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद CBSE 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करेगा। CBSE की मूल्यांकन योजना में विद्यार्थियों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के अंतिम 3 प्रश्न पत्रों में हासिल किए गए अंकों पर विचार किया जाएगा। जोधपुर के सांगरिया फांटा चौराहे के पास स्थित किराना की दुकान में आज शुक्रवार सुबह आग लग गई। बासनी के 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार सांगरिया फांटा चौराहे के पास स्थित कमल किराना एंड जनरल स्टोर नामक दुकान में सुबह शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारियां निकलकर किराना सामान पर गिर गई और दुकान में आग लग गई। वहां रखा कीमती सामान चपेट में आ गया और धूं धूं कर जलने लगा। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। बूंदी जिले में पुलिस बेड़े में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना ने आदेश जारी करते हुए महिला थाने की कमान CI अंजना नोगिया को दे दी है। वहीं SI मुकेश बाई को सदर थाना में लगाया गया है। बांसवाड़ा के छायनबड़ी गांव में प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी मिली है। सूचना पर पहुंची दानपुर थाना पुलिस ने बताया कि युवती ने जहर खाकर जान दे दी तो युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों मृतक एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर असद विभाग के अधिकारी और राशन डीलर मिलकर हर महीने गरीबों के हक का गेहूं खा रहे हैं। यह सिलसिला 3 साल से लगातार चल रहा है। एक ही फोटो चस्पा कर अलग अलग नामों से बनाए राशन कार्डों में फर्जी तरीके से आधार कार्ड नंबर जोड़ दिए गए हैं। मनमाने तरीके से कार्डों में यूनिट बढ़ा दी गई है। ऐसे भी राशन कार्ड हैं जिनमें 27 और 32 साल के मुखिया के 6 से 9 बच्चे हैं और उनके पोता पोती भी पैदा हो गए हैं। जो कार्डों की यूनिट में दर्ज हैं, पिता और बच्चों में मात्र 10 से 12 साल का ही अंतर है। बीकानेर जिले के कोटगेट पुलिस थाना क्षेत्र के बांद्रावास में दुकान पर बैठे युवक पर कुछ युवकों ने चाकू व तलवारों से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह वारदात आज सुबह हुई जब जीतू पुत्र श्रवण राम जावा परचून की दुकान पर बैठा था। इसी दरमियान पुरानी रंजिश के चलते हथियारों से लैस होकर युवाओं ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे जीतू की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मृतक के चाचा ने सिराजुद्दीन बबलू अली शेर व दुकानदार जिमान व 4-5 अन्य युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शिवा बस्ती निवासी 25 वर्षीय नीरज नाई ने फांसी लगा ली। नीरज अकाउंटेंट का काम करता था। बताया जा रहा है कि हाल ही में 30 जनवरी को ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या करने के पीछे कोई वजह सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारी राहत दी है। दफ्तर के काम से होने वाले टूर और LTA की रकम क्लेम करते वक्त अब उनको हवाई जहाज का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं रहा। पहले इस तरह के किसी भी क्लेम के लिए बोर्डिंग पास जिसमें सिक्योरिटी चेक का स्टाम्प लगा हो अकाउंट ऑफिस में जमा करना होता था। जयपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद गर्भवती हुई महिला को छोड़कर भागने वाले अभियुक्त देलवाड़ा कोटड़ी निवासी बाबूलाल को प्रतापनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के अनुसार एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान बाबूलाल गमेती से पहचान हुई थी। उसने शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसे गर्भवती होने का पता चलने पर बाबूलाल उसे छोड़कर भाग गया। बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गड्ढा में पात्र व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य ने कैलुपोश मकान का फोटो लगाकर वार्ड पंच टीना कुंवर और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 की राशि उठाने संबंधी मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह राणावत ने तत्कालीन ग्राम सचिव कमला बामनिया को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने पर गड्डी BDO राजेश वर्मा को 17 CC का नोटिस दिया है। अलवर जिले में एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका का गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने प्रेमिका का गला रेतने के बाद खुद का भी गला काट लिया।
आरोपी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे स्टेशनों के बहुउद्देशीय स्टॉलों पर अब कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित मास्क, दस्ताने, बेडरोल किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार आमतौर पर निजी ठेकेदारों के स्टॉल पर प्रसादन सामग्री, किताबें, दवाएं और खाने पीने के पैकेट होते हैं। अब ये स्टॉल यात्रियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने वाली सभी जरूरी चीजें भी बेच सकेंगे। बीकानेर में एक युवक ने बुजुर्ग महिला को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर उसे गले से सोने की चेन और उसमें लगी लॉकेटनुमा मूर्तियां तोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तलाश कर आरोपी को दबोच लिया। गंगाशहर थाना पुलिस ने बताया कि मोहतासराय निवासी स्वरूप गिरी की मां अपने दूसरे बेटे के घर जा रही थी। उसे पैदल जाता देख शिवबाड़ी रोड पर अंबेडकर कॉलोनी निवासी अमजद ने घर तक छोड़ने का आग्रह कर उसे बाइक पर बैठाकर पाली के दिसूरी कस्बे में एक शिक्षिका ने अपने घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय नीतू खत्री पुत्री कैलाश कुमार निवासी देसूरी ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नीतू की शादी वर्ष 2015 में बूंदी में हुई थी और 2017 में तलाक हो गया। नीतू वर्तमान में घाणेराव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गरासिया कॉलेज मुछाला महावीर रोड पर शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। जून में विवाह जैसे मांगलिक कार्य के लिए भड़ली नवमी अभुज मुहूर्त होने के कारण विशेष शुभ है। भड़ली नवमी 29 जून को मनाई जाएगी। जून के विवाह के सिर्फ चार श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, 27, 28, 29 और 30 जून को हैं। 1 जुलाई को देवशनी एकादशी है, इसके चलते विवाह जैसे मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। 2 जुलाई के चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। नव संवत्सर में के बाद विवाह मुहूर्त का प्रारंभ 1 मई से हुआ था, जो देवशनी एकादशी तक चलेगा। बांसवाड़ा जिले के रोहनवाटी कस्बे में सल्लोपाट थाना क्षेत्र के राम का मुन्ना गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में युवक का शव मिला। युवक की पहचान राम का मुन्ना गांव निवासी 16 वर्षीय महेंद्र पुत्र सागर के रूप में हुई है। दरअसल बच्चे दोपहर में खेतों की रखवाली और बकरियां चरा रहे थे, तभी उन्हें वहां बरसाती नाली में युवक का शव दिखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।